अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेक्चर टू है आपका। हमारे कोर्स का टाइटल है लेक्चर टू का मल्टीवेरिएट कैलकुलस। अच्छा जी, लेक्चर टू मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इसमें हमने जो चीज़ पढ़नी है, आज दो चीज़ें पढ़नी है। नंबर वन, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, और सेकंड है सैंडविच थ्योरम। ठीक है जी। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो है कॉन्टिन्यूटी, दूसरा है सैंडविच थ्योरम। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ है जी? कॉन्टिन्यूटी हाँ जी, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है जी? अ फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स वन वाई वन। अ फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स वन वाई वन इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। क्या जी? सबसे पहले कि जो आपको फंक्शन दिया जाएगा उसमें आपने एक्स वन और y1 जब पुट करें तो डिफाइंड आना चाहिए, ठीक है। आ फंक्शन जो कि क्या हो जी, z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो वेरिएबल हों x और y, उस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। आ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, उसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कहाँ पे जी? एट एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स वन और वाई वन पॉइंट के ऊपर उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। इफ़ पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन में जो एक्स वाई होगा उसकी जगह पे एक्स वन और वाई वन पुट कर दिया जाएगा। एक्स वन और वाई वन क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, तो तब जो आंसर आए वो डिफाइंड आना चाहिए। तो आंसर जो आए डिफाइंड आए, उसको मतलब यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि आंसर जो होगा वो अनडिफाइंड ना हो, मतलब इन्फिनिटी ना हो। उसके अलावा दूसरा हम ये कहेंगे कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचिस टू एक्स वन वाई वन ऑफ द फंक्शन एक्स वाई, ये क्या हो जी, एग्जिस्ट हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो सेकंड कंडीशन है, ये जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है, ये सारे का सारा लास्ट लेक्चर ये सेकंड कंडीशन में ही है। सेकंड कंडीशन में ही हमने देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी में तीन कंडीशंस होती हैं। इसकी ये जो दूसरी कंडीशन है, ये वाली सारी की सारी, ये आप समझ लो कि जो आपका लास्ट लेक्चर है, सारा लेक्चर इस सेकंड कंडीशन में ही है। मतलब कि जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जितना भी सारा काम किया वो क्या था कि दो वेरिएबल वाले फंक्शन की हम लिमिट को देखते थे, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। और सारे का सारा वो लेक्चर जो है इस वक्त कॉन्टिन्यूटी में
वो चेक करते वक्त वो उसकी कंडीशन नंबर टू मतलब बी कंडीशन आ जाती है। सी क्या है जी हमारे पास, सी वही चीज़ है कि फर्स्ट और सेकंड का आंसर जो है सेम आना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स वन वाई वन विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स वन वाई वन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। तीसरी कंडीशन ये है, हमें कहती है कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से जो आंसर आएंगे वो आपस में इक्वल हो, मतलब फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो जब फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये टू वेरिएबल वाला जो फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूज़ है, कहाँ पे, एट एक्स वन वाई वन के ऊपर, ठीक है जी। आई रिपीट, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूज़ एट एक्स वन वाई वन, मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है सिर्फ एक पॉइंट, अभी ये जो तीनों चीज़ें हमने देखी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूज़ है या नहीं, मतलब ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और दूसरा ये कि ये दो डिफरेंट बातें हैं कि फंक्शन का किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ होना और फंक्शन का कॉन्टिन्यूज़ होना, ये दो डिफरेंट बातें हैं। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि ये वाला फंक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्स वन वाई वन के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ होगा अगर ये तीन की तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है जी, किसी एक पॉइंट के ऊपर। अगर मैं ये कहूँ कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूज़ है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला फंक्शन जो है अपनी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ है, इस वजह से इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूज़ कहते हैं, ठीक है। इस बातों को अच्छी तरीके से समझ लें, क्या कि अगर ये फंक्शन अपनी डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर यानी कि हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ होगा तब इस फंक्शन का नाम होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लेकिन अगर ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ होगा जो इन तीन कंडीशन से हम चेक करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूज़ ओनली एट अ सिंगल पॉइंट एक्स वन वाई वन, ठीक है जी। तो हमारा इस वक्त का जो फोकस है वो यही है कि फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूज़ है या नहीं है। तो वो कॉन्टिन्यूज़ कब होगा, जब वो डिफाइंड हो, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो, जब उसकी फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर होगी, तब हम कहेंगे कि वो वाला जो फंक्शन है वो क्या है जी, कॉन्टिन्यूज़ है किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फोर वाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो 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 इफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना है, वो क्या हमसे मांग रहा है, फंक्शन को
डिफाइन किस तरीके से किया गया। चेक द कॉन्टीन्यूटी, हमने कॉन्टीन्यूटी निकालनी है किसकी जी, फंक्शन की एफ ऑफ एक्स वाई। इस फंक्शन एक्स वाई को कैसे बयान किया गया, पीस वाइज, मतलब उसके हिस्से बना के पेश किया गया है। ये क्या है, फोर वाई एक्स स्केयर ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर। ये कब लेना है, जब आपका पॉइंट जो है ओरिजिन के अलावा कोई भी और पॉइंट हो तब ये वाली वैल्यू लेनी है। लेकिन जब आपका पॉइंट ओरिजिन होगा तो तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सवाल ये पैदा होता है कि इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी हमने किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है। तो अंडरस्टूड है, राइट साइड पे देखें आपका ये वाला जो फंक्शन है किसके ऊपर डिफाइन किया गया है। हाँ जी, ये देखिए राइट साइड पे पॉइंट कौन से वाला है, ओरिजिन दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि हमने इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी जो है जस्ट ओरिजिन के ऊपर निकालनी है। तो उसके लिए कंडीशन वन जो है हमारे पास वो देखें क्या जी, कंडीशन वन वो हमें डिफाइन होना चाहिए था, वो क्या कह रहा था, एफ ऑफ हाँ जी ओरिजिन के ऊपर ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू, मतलब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर लें तो क्या जो आप दिया हुआ है ज़ीरो। लो जी ये वाला ज़ीरो, ये ज़ीरो इधर आ गया और ये वाला ज़ीरो ज़ीरो कौन से वाला है, ये है। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आया है क्या ये डिफाइंड वैल्यू है, हाँ यस ये डिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं है, मतलब हमारी रेंज से बाहर नहीं है। ज़ीरो जो है हम उसको एक डेफिनेट नंबर समझते हैं, डिफाइंड समझते हैं। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट जो है कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। एक बार याद रखें, जब भी आप कॉन्टीन्यूटी चेक करने जा रहे हों तो अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब दूसरी चेक करें, और अगर दूसरी सेटिस्फाई हो जाए फिर तब तीसरी चेक करें। ठीक है, हर अगली कंडीशन तब चेक करनी है जब पिछले वाली कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यू नहीं है बल्कि डिसकॉन्टीन्यू है, और अगर वो डिसकॉन्टीन्यू है उसकी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर अगली उसकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी होती है। तो इस वजह से कोई अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि वो क्या है, डिसकॉन्टीन्यूड है। और अगर सारी कंडीशन लगती जाएंगी तो फिर वन बाय वन सारी हमने चेक करनी होगी। ठीक है जी, अब बी पार्ट यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचिस टू ज़ीरो ज़ीरो, फंक्शन हमें दिया हुआ है फोर वाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बी पार्ट ऐसे ही सोल्व होगा जैसे हमने लेक्चर नंबर वन में क्वेश्चन किए थे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो कि हम चूँकि हमारे पास ओरिजिन जो है ज़ीरो के ऊपर है तो कोई ऐसा पाथ यूज़ करते हैं जो पाथ ओरिजिन में से गुजर रहा हो। ठीक है जी, तो ओरिजिन में से कोई पाथ यूज़ कर रहा हो तो हम उसको अगर यूज़ कर लें जी वाई इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है जी पुट कर लेते हैं y is equal to kx। तो जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास 4y की जगह पे kx x square over x square kx square, और चूंकि आपका सारा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट हो गया है तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है जी, अब ये वाली सारी अमाउंट जो है ये किसके इक्वल हो जाती है जी, देखते हैं। हाँ जी, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर हमारे पास है फोर के एक्स क्यूब
फोर के एक्स क्यूब, नीचे एक्स के कॉमन निकाल लें, एक्स के कॉमन निकाला तो क्या रह गया वन प्लस के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ कट गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, फोर के एक्स वन प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस तरह की अगर एक्सप्रेशन आ जाए और x अप्रोचेस टू ज़ीरो यहाँ पे पुट करें, तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ ये बात की थी कि k की अगर हम डिफरेंट वैल्यू पुट कर भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, x ही हम पे ज़ीरो लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कॉन्टीन्यूटी की पहली कंडीशन हमने जो a फाइंड की तो उसमें जवाब ज़ीरो आया था, जो दूसरी कंडीशन है उसमें भी जवाब ज़ीरो आया है, तो तीसरी कंडीशन हम कह सकते हैं क्या जी के चूँकि पहली कंडीशन इक्वल है फंक्शन हमारे पास है फोर वाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी जवाब और इसका भी जवाब दोनों का सेम जवाब आ रहा है और वो क्या है ज़ीरो। ठीक है जी, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूज है एट ओरिजिन। दस गिवन फंक्शन इज continues at origin। ठीक है जी, तो हमने देखा ये किस तरीके से तीन conditions जो है satisfied हो जाती हैं, और जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम फंक्शन को कह देते हैं कि ये क्या है जी कॉन्टीन्यूज है एक ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है चेक कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, चेक कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज़ीरो इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू ओरिजिन, इफ एक्स वाई इक्वल टू ओरिजिन चेक कॉन्टीन्यूटी ऑफ दिस। ठीक है जी, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे क्या जी, ए पार्ट एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के ओरिजिन के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है जी ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो ये और ये ओरिजिन यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया जी डिफाइंड। ठीक है, बी पार्ट में हमने क्या करना है, पाथ यूज़ करना है, पुट कर लें, पाथ क्या यूज़ करते हैं जी, पुट कर लें y इज इक्वल टू के एक्स, k लिख लें। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट वैल्यू पुट करें जी टू
एक्स वाई, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर लिमिट, और सारी एक्सप्रेशन चूंकि एक्स में होगी तो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो आपके पास सिंपल करके ये क्या रह जाएगा जी, एक्स के इधर से एक्स के इधर से एक्स के ऊपर से कैंसिल हो गया, सारा रह गया टू के, टू के वन प्लस के स्क्वायर। तो चूंकि इसमें हमारे पास टू के ओवर वन प्लस के स्क्वायर, इसमें हमारे पास एक्स नहीं है, तो इस वजह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो को हम छोड़ देंगे। तो अब माइंड में लेके आए जो आपका लास्ट लेक्चर था उसको, कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करते थे, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के वी कैन गेट, सो वी कैन गेट डिफरेंट आंसर्स। तो अगर हमारे पास के की यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट जवाब आ जाएंगे। और मैंने कहा था जब काफ़ी सारे डिफरेंट जवाब आएँ तो एक थ्योरम होता है कि लिमिट एग्जिस्ट तब होगी जब यूनिक आंसर आएगा, मतलब जब एक जवाब आएगा। लेकिन यहाँ पे तो के की डिफरेंट वैल्यू पुट करते रहे हैं तो हमारे पास यूनिक जवाब तो नहीं आ रहा। मतलब फॉर एग्जांपल पहले के की जगह पे ज़ीरो पुट करो तो इसका जवाब क्या आएगा, ज़ीरो। फिर के की जगह पे अगर हम वन पुट करते हैं तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, वन। फिर के की जगह पे टू पुट करते हैं कुछ और जवाब आएगा, के की जगह पे थ्री पुट करते हैं तो कुछ और जवाब आएगा। तो हमें तो डिफरेंट जवाब तो नहीं चाहिए, हमें तो एक ही जवाब चाहिए, यूनिक जवाब चाहिए। तो लिहाजा चूँकि यहाँ पर यूनिक जवाब नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं थ्योरम के हवाले से, क्योंकि थ्योरम ये कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट तब होगी जब यूनिक लिमिट आएगी, जब यूनिक आंसर आएगा। तो यहाँ पे चूँकि यूनिक आंसर नहीं आ रहा तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर गिवन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूस तब होता है जब सारी की सारी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो यहाँ पे तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कह देंगे फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यू नहीं है, यानी कि क्या है, डिसकॉन्टीन्यूज है एट ओरिजिन। तो दस दस आर फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूज एट ओरिजिन। ठीक है जी, गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, गिवन लिमिट हमारे पास जी एग्जिस्ट नहीं कर रही, दस आर फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूज एट ओरिजिन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूज है एट ओरिजिन के ऊपर जी। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी सैंडविच थ्योरम। सैंडविच अच्छा जी, सैंडविच थ्योरम क्या होता है इसको हम ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उतना ही इसके ऊपर काम करेंगे, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहर है, सैंडविच मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें हम अपर, लोअर और मिडल, मतलब तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम में। और फिर हम बताएंगे कि जी सैंडविच थ्योरम को हम किस तरीके से क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसका कुछ स्टेटमेंट ऐसे है, स्टेटमेंट लिख लें, हाँ जी, लेट जी एफ एंड एच, लेट जी एफ एंड एच आर थ्री रियल वैल्यूड फंक्शंस। मैं क्या लिख रहा हूं जी, लेट जी एफ एंड एच आर थ्री रियल वैल्यूड फंक्शंस, के हमारे पास कोई तीन फंक्शन हैं जो कि रियल वैल्यूड हैं। ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर्स हो, तो हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। लेट जी एफ एंड एच आर थ्री रियल वैल्यूड फंक्शंस सच दैट हाँ जी, वो तीन रियल वैल्यूड फंक्शन जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल और लेस देन एफ ऑफ एक्स इक्वल और लेस देन एच ऑफ एक्स। सच दैट मतलब जी ऑफ एक्स जो है ये सबसे छोटा फंक्शन होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है जी से बड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स जो है ए से छोटा। जी ऑफ एक्स जो है सबसे छोटा है, एफ ऑफ एक्स जो है दरमियान में है और एच ऑफ एक्स जो है ये सबसे बड़ा फंक्शन होगा। और यहाँ पे एक्स क्या है जी, इन तीनों फंक्शंस की डोमेन का जो कॉमन पार्ट है वहाँ से एक्स की वैल्यू को लिया जाएगा। तो अगर सच दैट जी सबसे छोटा, एफ ऑफ एक्स उससे बड़ा और एच ऑफ एक्स उससे बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्स है, एक्स ए एक्स तीनों फंक्शंस की डोमेन के कॉमन पार्ट में से लिया जाएगा। तो सच दैट दिस इज आल्सो एग्जिस्ट साइज दिस, तो उसके लिए लिखते हैं हम सच दैट जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल और लेस देन एच ऑफ एक्स इफ इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लैम्डा जी ऑफ एक्स, के जी ऑफ एक्स के ऊपर जब आप लैम्डा अप्लाई करें तो आंसर आपके पास आए पी सबसे छोटे के लिए, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वही वाला नंबर लैम्डा, जब आप सबसे बड़े वाले के ऊपर अप्लाई करें तो आंसर फिर आए पी। देन फिर क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो वो भी होगा क्या, पी, ठीक है जी। तो मैं दोबारा इसको सैंडविच थ्योरम को कुछ स्टेटमेंट इसकी बयान करता हूँ। यहाँ पे जी एफ और एच थ्री रियल वैल्यूड फंक्शन है, जी सबसे छोटा है, एफ उससे बड़ा है और एच उससे बड़ा है। यहाँ पे इस चीज़ को समझना है आपने, इफ़ और देन का क्या मतलब होता है जी, याद रखे इफ़ के बाद जो चीज़ होगी देन से ऊपर ऊपर, यानी कि ये सारी इफ़ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर देन से ऊपर वाली, ये आप समझें आपको गिवन है। और इफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी अमाउंट आपको गिवन है, तो इसकी बेस के ऊपर आपने जो रिजल्ट देना होता है वो होता है देन के बाद। इफ़ ये, अगर ये है देन ये हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, ये क्या है जी, इफ़ कहता है सबसे छोटे फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट लगाई एक्स अप्रोचिंग टू लैम्डा और जवाब आया पी, फिर सबसे बड़े के ऊपर हमने लिमिट लगाई एक्स अप्रोचिंग टू लैम्डा तो जवाब फिर आया पी। मतलब उसके कहने का ये है कि अगर x अप्रोचेस टू लैम्डा सबसे छोटे और सबसे बड़े फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो दोनों ही फंक्शंस के जो जवाब आते हैं वो p आते हैं।
तो कॉमन सेंस भी इस चीज़ को मानती है, सबसे छोटे और सबसे बड़े फंक्शन के ऊपर जब आपने सेम लिमिट लैम्डा अप्लाई किया तो आंसर जो है वो सेम आ रहा है पी, तो डेफिनेटली देन, देन मतलब ये मेन चीज़ हम बता रहे हैं, देन फिर जो दरमियान में जो फंक्शन होता है उसका भी वही जवाब आएगा जो सबसे छोटे और सबसे बड़े फंक्शन का आया था। अब इसको क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करते हैं तो मज़ीद यहाँ से आइडिया जो है हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है डज नोइंग दैट डज Knowing does knowing that two x y absolute minus x square y square divided by 6 लेस देन 4 माइनस 4 कोस 4 कोस एक्स वाई मोड एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट लेस देन 2 एक्स वाई एब्सोल्यूट Tell you anything tell you anything tell you anything about limit x y approaches to 0 0 4 minus 4 cos x y mod square root x y mod Give reasons for your answer. Give reasons for your answer. हाँ जी, क्वेश्चन जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डज नोइंग दैट कहता है कि हमारे पास एक इन इक्वालिटी है, टू एक्स वाई एब्सोल्यूट माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर ओवर सिक्स लेस देन फोर माइनस फोर कोस एक्स वाई एब्सोल्यूट स्केयर रूट लेस देन टू एक्स वाई। ये आपको एक्चुअली एक उसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक इन इक्वालिटी दी हुई है और कहता है टेल यू एनी थिंग अबाउट दिस, मतलब अगर ये इन इक्वालिटी आपको दे दी जाए तो आप इसका जवाब निकालें।
पहले आप क्वेश्चन को समझ लें, वो क्या कह रहा है कि यहाँ से लेकर ये सारी आपको उसने एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इस इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए आपने ये लिमिट फाइंड करनी है। तो ज़रा देखें, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 ओरिजिन के ऊपर है, इसकी निकालनी है। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब इसको यूज़ करके आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब जो आपने लिमिट निकालनी है, ज़रा गौर करें, वो क्या है, 4 - 4 कोस एक्स वाई एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट। तो इसको चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें, ये नीचे वाला एक्स वाई एब्सोल्यूट जो है डिनोमिनेटर में, ये वाली चीज़ जो है इधर नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ डिवाइड कर लें, फिर हम कुछ बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो क्या जी, डिवाइडिंग देयर गिवन इन इक्वालिटी, डिवाइडिंग द गिवन इन इक्वालिटीज का नाम रख लें चाहे आप जी, 1, डिवाइडिंग द गिवन इन इक्वालिटी 1 बाय, क्योंकि इसके नीचे हमें देख रहे हैं कि एक्स वाई का मोड चाहिए, उसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा जी, हमारे पास देखें टू एक्स वाई मोड ओवर एक्स वाई मोड माइनस, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लगा के उसका होल का स्क्वायर, और इसको भी डिवाइड कर लिया एक्स वाई मोड से, ठीक है जी। तो टू एक्स वाई इसके जो अलग से डिवाइड कर लिया, और इसके करना माइनस एक्स के वाई स्क्वायर का मोड, ये हो गया 7 6 भी लिखना है, ठीक है जी। और उसके बाद लेस देन 4 - 4 कोस एक्स वाई मोड, इसका स्क्वायर रूट, और इसको भी डिवाइड कर लिया एक्स वाई मोड से, लेस देन, और उसके बाद आ जाएगा जी 2 XY mod ओवर एक्स वाई मोड। अब इसको सिंपल करते हैं, ये इसके साथ कट गया 2 - तो ये एब्सोल्यूट एक इसके साथ कट गया, तो क्या रह गया एक्स वाई मोड ओवर 6 - ये लेस देन। अब ये वाली जो चीज़ जो है, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वही बन गई है जो हमने जिसकी लिमिट निकाल ली है। तो 4 - 4 कोस एक्स वाई एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ओवर एक्स वाई मोड लेस देन, ये इसके साथ कट गया, जस्ट रह गया 2, ठीक है जी। अब इसको आप लेबल कर लें जी 2, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन है। इस वाले को जो मैंने सैंडविच थ्योरम आपको बताया, इस सारे को हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, और इसको हम एच ऑफ एक्स ले लेते हैं, और दरमियान वाला जो है इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता था, अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आए तो फिर दरमियान वाले का भी आंसर वही आता है। हमने जो लिमिट अप्लाई करनी है वो क्या है जी, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, ठीक है जी। तो अब हम यही वाली लिमिट पहले लेफ्ट पे लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 किसके ऊपर जी, 2 - एक्स वाई एब्सोल्यूट ओवर 6। तो आप देख सकते हैं ये एक्स और वाई जो है 0 0 है, यहाँ पे पुट करेंगे ये सारा ख़त्म हो जाएगा, आंसर आ गया 2। फिर यही वाली लिमिट
हम ये राइट वाला, ये वाला जो टू है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसमें चूंकि एक्स वाई है नहीं है तो इसका भी आंसर